Hey guys, welcome to the new vlog. तो गाइस अभी मैं उठ चुका हूँ, अभी बज रहे हैं दोपहर के दो, वैसे मैं 12 बजे उठ चुका था, अभी दो बज रहे हैं और मैं उठ के ब्रश भी कर लिया, मैंने ब्रेकफास्ट भी कर लिया, अब नहाना है मुझे। तो अभी देखो ये हमारे घर में आई है न्यू गद्दे, क्योंकि जो जिस पे हम गद्दे पर सोते थे ना, तो वो तो हमारे बहुत मोटे मोटे गद्दे थे, उठाए नहीं जाते थे। पापा ने ये नए गद्दे मंगवाए, एक ये वाला गद्दा, दूसरा गद्दा अंदर पड़ा उधर, तो मैंने कहा तो फिर मैं ये लो गाइस, लवे का पैनकेक, आलू पैनकेक, आलू के परोंठे के ऊपर सब ड्राई फ्रूट काटे, उसके ऊपर थोड़ा बहुत हनी डाला और उसके ऊपर हर चीज डाला, आलू का पैनकेक है। लवे कैसे लगा तेरे को? गाइस कौन खाता है आलू का पैनकेक है लवे, बताइयो। गाइस मैं वैसे नहाने ही जा रहा था, और मैं आपको एक चीज बता दूं कि मम्मी ने आज कोविड टेस्ट करा लिया। आज सुबह 10 बजे आए थे, मैं सोया पड़ा था, और मैं आपको क्लिप दिखाता हूँ जो कि पापा ने सुबह रिकॉर्ड करी थी जब मम्मी का कोविड टेस्ट हो रहा था। देखो क्लिप, देखो वो तो भी मैं नहा के आ चुका हूँ, और मैं सोच रहा हूँ कि पापा के साथ गौशाला जाया जाए, क्योंकि पहले तो पापा और मम्मी दोनों जाते थे, क्योंकि अब तो मम्मी आइसोलेट हो रखी है, तो मैं जाऊँगा, बल्ले बल्ले होंगे। कभी मैं तो कभी जाता नहीं क्योंकि लेके नहीं जाते थे, आज मैं जाऊँगा अपनी पतंगे लेके आऊँगा, बहुत सारी काइट फ्लाइंग भी करेंगे आज। गाइस कल तो मैंने बहुत सारे पेज काटे, मजा आ गया, और फिर चलेंगे थोड़ी देर में गौशाला। गाइस ये हमने ऐसे बिछाया करते हैं, देखो ये एक बड़ा है एक छोटा है, तो हमने छोटा इस साइड बिछाया और ये बड़ा इस साइड बिछाया, और ये देखो ये दिख रहा है ये चीज़, ये लगे ना तो हमने इसके लिए ये जो सोफे होते हैं ना इसके पीछे जो ये लगी होती है, हमने ये लगा दिया था। ये देख सकते हो ये हमारा आज का सेटअप है जिस पे हम सोने वाले हैं, और कल रिपोर्ट आ जाएगी, देखेंगे क्या आएगी रिपोर्ट। ये देखो गाइस मम्मी तो यहाँ पर है ही नहीं, और ये देखो हमारा रूम पूरा मैसी मैसी हो रखा है, अगर मम्मी होती तो पूरा ठीक करके रखती। यहाँ पर हमारे पापा बैठे हैं लवे कंघी करने के लिए, और लवे देखो स्टडी टेबल बैठे हैं, स्टडी टेबल पे। हेलो गाइस ये बड़ा तंग करती है, आज हमें गौशाला भी जाना है। हेलो तो गाइस ये गद्दे मंगवाए हैं पापा ने मेरी बड़ी फूफा जी और बड़े बुआ से, क्योंकि वो गए थे मार्केट ने घर के लिए गद्दे लेने, तो पापा कहते हमारे लिए भी लेना, इन गद्दों को तो मैं भी उठा लेती हूं। और यहाँ पर पापा कंघी कर रहे हैं लवे की, क्योंकि मम्मी तो वहाँ पर आइसोलेट हो रखी है, इसलिए पापा ही आज के लिए मम्मी बन गया। तो गाइस अभी हम तीनों, मैं लवे और पापा जाने वाले हैं गौशाला, और लवे देखो ये देखो पिंक, और ये पिंक चश्मा भी पिंक हो जाता है, ये देखो फुल रेडी हो गया यार एकदम टशन में। वो मेरे पास ना पिंक चश्मा भी है। अच्छा तो मैं सोचूं मैं साइकिल पे क्यों ना जाऊं। नहीं, पापा पापा मैं साइकिल पे चले जाऊं? नहीं पापा मना कर रहे हैं, तुम साइकिल पे नहीं जाएंगे, स्कूटी पे जाएंगे हम, स्कूटी पे जाएंगे। तो गाइस हम निकल चुके हैं अपने घर से गौशाला के लिए, कम से कम 5-10 मिनट का रास्ता है यहाँ से घर से हमारे, पहले हम जाएंगे कबूतरों को दाना डालने, उसके बाद जाएंगे फिर हम गौशाला। तो गाइस अभी हम पहुंच चुके कबूतरों को दाना डालने के लिए, और यहाँ पर बहुत ज्यादा धूप हो रही है, तो अभी हम यहाँ से दाना लेंगे, उसके बाद कबूतरों को दाना डालेंगे, उसके बाद कौए भी होते तो कौओं के लिए हम पनीर भी लेंगे। ऐसे कितने लोग ले जाते हैं हर रोज? दिन भर में आ जाते हैं 100-150 लोग। गाइस मैं आपको बता दूं कि लॉकडाउन के बाद हम पहली बार बाहर निकले हैं, गाइस हमने क्रो के लिए यहाँ पर पनीर रख दिया, और यहाँ पर और भी पनीर है, हम इसे छुपा छुपा के रख रहे हैं, क्योंकि वो देखो ऊपर चील बहुत सारी गाइस ईगल बैठी है, तो ले जाएगी ऐसे पनीर। गाइस एक बार ये हुआ था कि पापा के हाथ में पनीर थी, ऊपर से चील झुपट्टा मार गई एकदम से पापा के पास, बच गए बस पापा, भुजिया भी पापा ने मंगवा लिया, भुजिया डालेंगे।
चलते हैं गौशाला। तो गाइस हमने यहाँ पर सानी ले लिया है और वहाँ पर और डाल दिया हमारे लिए। तो अभी हम यहाँ पर देख सकते हैं बहुत सारी काऊ है, तो अभी हम इनको डालेंगे। बैल भी गाइस बहुत सारे, तो भैया सबको सानी डालेंगे। पापा तो ले गए एक बाल्टी, एक बाल्टी मैं भी लेके जाऊँगा। तो गाइस अभी हम आ चुके हैं अपनी काइट लेने के लिए। हम काइट लेंगे। देखो भाई ये अंदर तक फुल दुकान है और बाहर भी नहीं लगा रखी है, लॉकडाउन खुल चुका है। आज संडे है, अभी हम लेंगे अंदर चला जाओ। भाई अभी हम अंदर चलते हैं, देख के तो आऊँगा। मेरी पतंग गाइस हमेशा हम इनसे ही लेके जाते हैं। पाँच ही हो गई, चार चार एकम चार चार दे दिया, चार चार बारह, चार सोलह बेटे, सोलह एक चौका नू के दे दे। कोई ये पापा चेक कर रहे काई ये डबल है तो दे दो मुझे। आप कोई बात नहीं, नहीं 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 रहो ना दे रहे ना। गाइस ये हमारी काइट सच की है और मैं इसको छत पे ले आया हूँ अपने, क्योंकि मैं काइट फ्लाइंग करनी थी। तो देखो सब काइट से रही, देखो सब। और ये मेरे पड़े मंजे, ये तीन और लंबे, ये काइट जैसे छोटी छोटी पड़ी रहती है। तो काइट फ्लाइंग करता हूँ, बहुत मजा आने वाले हैं। तो गाइस अभी अभी मैं ऊपर से काइट फ्लाइंग करके आ चुकी हूँ और पापा ने आती ही मेरे को दे दी है ठंडी ठंडी कोल्ड कॉफ़ी। ये लवे अपना काम कर रही है और यहाँ पर क्या पिया जा रहा है, कॉफ़ी। चलो कॉफ़ी पिया मैं। तो गाइस अभी रात के बज रहे हैं 8 और अभी मैं बोर हो रहा था, तो मैं सोच रहा हूँ कुछ बनाया जाए, कुछ तूफान किया जाए। तो अभी हम सोच रहे हैं कुछ स्लिंग शॉट बनाया जाए, बहुत पेपर वाले जो बड़े बड़े नहीं होते ऐसे ठा गुलेल। गाइस हमारा स्लिंग शॉट बन के रेडी हो चुका है, देखो आप। अभी हम इसको टेस्ट करेंगे, देखेंगे कितनी दूर तक जाता है। ओह वाओ गाइस, गोलियां मैंने बनाई है सारी तो क्या हुआ, इसमें मेरी भी मेहनत है गाइस। ये सब मैंने बनाया, बस इसने गोलियां बनाई पेपर की, बस बस बेटा उसमें भी बहुत देर लगती है। बाकी हमारा यहाँ पर डिनर आ चुका है, डिनर में है आलू पनीर की सब्जी, जो कि पनीर तो मैं खाऊंगा ही नहीं, खाली मैं आलू वालू खाऊंगा। तो इसी के साथ आज के व्लॉग को एंड करते हैं। आई होप आपको व्लॉग पसंद आया होगा, पसंद आया तो लाइक एंड शेयर करना, चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, और अगर आप ये वीडियो फेसबुक पेज पर देख रहे हो तो फेसबुक पेज को लाइक एंड फॉलो करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।